चुनावी हवा बड़ी ही गजब होती है, जिसमें पुराने विरोधी एक साथ एक दल में आकर सत्ता के सफर तक साथी बन जाते हैं और वही कई साथी एक दूसरे के कट्टर विरोधी बन जाते हैं। लेकिन भैया, ये मध्य प्रदेश का चुनाव है, इस गजब प्रदेश की चुनावी हवा भी बड़ी ही अजब और गजब है। हाल ही में आपने कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ का वीडियो तो देखा ही होगा, जो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कमलनाथ दिग्विजय और जयवर्धन के कपड़े फाड़ने की बात कर रहे हैं। अगर नहीं देखा तो हम दिखा देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद भाजपा वाले भी कह रहे होंगे कि वाह क्या सीन है। अगर कांग्रेस में ऐसा ही चलता रहा तो हमें इस बार भी सरकार बनाने से कौन रोकेगा। इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने वीडियो साझा कर लिखा कि अरे कमलनाथ जी, आप तो कपड़े फड़वाने पर भी उतारू हो गए। खैर, आप कर भी क्या सकते हैं जब पूरी कांग्रेस ही दो फाड़ हो गई है। वैसे शिवपुरी से आए वीरेन रघुवंशी के समर्थकों की कमलनाथ से बातचीत का यह वीडियो देख दिग्विजय सिंह, आप और आपके सुपुत्र को पीड़ा तो जरूर हुई होगी और बदला भी तगड़ा लेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कपड़ा कौन किसका फाड़ेगा। इसके अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र के मंच पर कमलनाथ ने कहा, मैंने इनको कुछ समय पहले पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, वो ये थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइएगा। ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। मेरी गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। जिसका जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह कहते हैं कि भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी चीफ के? तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? गलती कौन कर रहा है ये भी पता होना चाहिए। अब शंकर जी का काम यही है विष पीने का, तो पिएंगे। आपने कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट। भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ। हालांकि कांग्रेस के घोषणा पत्र के मंच वाले वीडियो को दिग्विजय सिंह ने मजाक ये संवाद बताया है, लेकिन इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब तक के लिए मैं सजल रघुवंशी प्रोड्यूसर ज्ञानेंद्र कुमार के साथ विदा लेता हूं। बने रहिए वी युवा पर।